देखना पड़ेगा ना। अब ठीक है, अब ये जो है हमारी साध्वी जी ये प्रवास पे जाती है तो ले लेती होगी रुपए कि मेरे को खर्चे के लिए रुपए दो। फिर उसमें से बोले 10 रुपए देते, 20 रुपए देते तो सोचते ही नहीं है हम। पर जिसके पास 10-20 भी नहीं है वो दान क्या करे, क्योंकि यहाँ तो जनरल कहा जा रहा है ना। और जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके पास होते ही नहीं है पैसे, तो वो क्या दान दें? वो तो लेते हैं औरों से। सन्यासी ब्रह्मचारी को तो लाइसेंस मिला हुआ है दान लेने मैं भी का। लेता हूँ दीदी, हाँ लो ना, खूब लो, आपको तो जैसा लाइसेंस मिला हुआ है। हमारा जो जिला प्रभारी राज्य प्रभारी लोग आते हैं, हाँ तो जब आए तो कपड़ा वगैरह लेके आते थे पहले। मैं बोला कपड़ा यहाँ लिया पहने तो अच्छा नहीं मानते, बोलो तो चलो कम से कम 100-200 रुपए ले लो, बोले तो लेता हूँ। तो उनसे नहीं लेना अभी, है ना। वो अपने इसकी गुरुकुल की मर्यादा के विपरीत है, ऐसे नहीं लेना किसी से भी। तो होते नहीं है ब्रह्मचारी और सन्यासियों के पास, तो लेना भी है तो फिर उनकी रसीद काट के, और वो अपने जो भारत स्वाभिमान का या दूसरे अपने जो दान के अकाउंट हैं उसके लिए ले सकते हैं कितना भी। अपने लिए नहीं लेना कि कपड़े रोटी तो मिल जाते हैं या खर्चने के लिए नहीं है तो थोड़ा दे के जाओ, ऐसे नहीं लेना किसी से भी। तो आप क्या दान देंगे आपके पास नहीं है तो, और किसको देंगे? आप बोलेंगे हम तो विद्या का दान दे देंगे, तो विद्या का तो तब दोगे जब पहले आपके पास विद्या होगी। और फिर दोगे तो किसको दोगे? इन्होंने पात्र भी बोला, देश भी बोला, काल भी बोला, देशे काले च पात्रे च। और किसको देना है? अनुपकारिणे, जिसने हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया, हमारे ऊपर उपकार किया मतलब मैंने पढ़ाया आपको, तो फिर आप मेरे को लाके दोगे कि नहीं दान? फिर घुमा रही है बात को, घुमाओ मत। मैंने आपको पढ़ाया तो आपको यदि जीवन में भगवान कुछ ऐसे देगा सामर्थ्य, तो आप मेरे को देंगे कि नहीं देंगे? गुरु को देना चाहिए कि नहीं? गुरु को दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ये कह रहे हैं अनुपकारिणी, उसने तो उपकार किया है, उपकार करने वाले को दिया हुआ दान दान नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर भी दोगे? गीता का उल्लंघन करके भी दोगे? बड़े ये विचार करने योग्य प्रश्न हैं ये, नहीं तो हम सोचते नहीं है। और ये सच है, कई बार बिना सोचे समझे अच्छा किया हुआ काम भी गलत परिणाम दे देता है। ये ऐसे नहीं कह रहे भगवान कृष्ण, देशे काले च पात्रे च। देश काल और पात्र का विचार किए बिना अगर आपने दे दिया तो कभी उल्टा परिणाम भी आ जाता है। गलत स्थान पे चढ़ा दिया आपने, वो स्थान दान देने योग्य नहीं था, और उस स्थान में आपने दान दे दिया तो कभी उल्टा भी मिल जाता है उसका रिजल्ट। गलत काल में दे दिया और गलत पात्र, गलत व्यक्ति को दे दिया। जैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना, धियो यो नः प्रचोदयात्, और आपने 100, 200, 500, 1000, 2000 लाख कितने भी गायत्री का जाप किया और सब में आपने बोल दिया धियो यो नः प्रचोदयात, तो परिणाम क्या आएगा? उल्टा आएगा। धी को भगा दिया आपने कि मेरे पास नहीं आनी चाहिए, न का उच्चारण कर दिया ना, धियो यो नः प्रचोदयात, तो करना क्या था? धियो यो नः, विसर्ग का करना चाहिए था, या तो नह कहना चाहिए था धियो यो नः प्रचोदयात। और खास करके जब वो करते हैं ना अनुष्ठान और जल्दी जल्दी बोलते हैं तो बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः भर्गोदेवः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात नहीं बोला जाता है। फिर तो किया तो इतना लगता है कि हमने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, हमने इतने मंत्र बोले, हो गया उल्टा, धियो यो नः, इतने लोगों ने मिल करके इतनी बार
चिल्ला चिल्ला करके भगवान से कहा, हमें मत देना वो बुद्धि, हमें मत देना, हमें मत देना, हमें मत देना, फटाफट फटाफट फटाफट। बोले नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कभी ऐसे हो जाता है, करते हैं अच्छे के लिए, परिणाम उल्टा आता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं, देशे काले च पात्रे च। और इस पे चिंतन करो, अपना अपना चिंतन करो, पात्र कौन है। और पात्र मेरी दृष्टि में, ये अगली बात है, जरूरी नहीं है जो मेरी दृष्टि में पात्र है वो वास्तव में ही पात्र है, क्योंकि मैं तो अपने ज्ञान के अनुसार, अपने राग द्वेष के अनुसार पता नहीं किसको पात्र मान लूं। लेकिन वास्तव में भी वो पात्र है या नहीं है, हाँ जी अन्ना जी। हाँ ओम दीदी, मेरा भावना यही है, इस टाइम में भारत में और हर व्यक्ति को मतवादी लोगों अपना अपना मतवादी से द्वेष बढ़ा रहे, वो सबको ये बताना चाहते, परमात्मा तो ये कि परमात्मा बहु नहीं है, लेकिन अलग अलग महान भाव, अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों से परमात्मा का अलग अलग नामकरण किया, लेकिन वास्तव में सबका धर्मशास्त्रों का सार एक ही है, परमात्मा प्राप्ति के लिए। लेकिन जो कट्टरवादी है, स्वार्थवादी है, मत तत्व कट्टरता से द्वेष बढ़ा रहे, लेकिन सबका अंदर मिलके प्रेम बढ़ाने के लिए, संदेश देने के लिए मेरा भावना है। तो आपकी भावना तो बहुत अच्छी है। हाँ सब मन हर व्यक्ति को, जैसे मुसलमान क्रिश्चियन में, मुसलमान कुरान पढ़ाते, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ाते, मैं प्रैक्टिकल में देखा हूँ, जाके भी पढ़ा हूँ। अतः हिंदू लोग भी उनका शास्त्र पढ़ाते, लेकिन दूसरे शास्त्र में क्या है वो नहीं बताते। वास्तव में हर व्यक्ति सार चाहिए, पूर्ण 10 शास्त्र है, 15 शास्त्र है, पूर्ण शास्त्र पढ़ने के लिए, हर शास्त्र में सार समझ के आगे बढ़ने के लिए, अच्छाई बढ़ाने के लिए अगर समझे तो हर धर्म में अच्छाई के लिए प्रयत्न किया, हर टाइम में काल में वो संदेश दिए तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो द्वेष बढ़ेगा। तो आप ऐसी भावना किया करो रोजाना, तो ये मेरा भावना है। हाँ तो आप इसी का दान किया करो, मैं इसके लिए, ठीक है। तो ये एक दान हो गया ना, विचारों का भी दान होता है, भावों का भी दान होता है, कि मैं अपने ऐसे भाव, एक व्यक्ति रोगी है उसको आप क्या दान दे सकते हो, उसको किसकी जरूरत है। आप कहोगे रोगी की दवाई की, रोगी को दवाई है उसके पास, और क्या दे सकते हैं, सेवा का दान, उसके पास सेवा वाले भी हैं करने वाले, और क्या दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या दे सकते हैं। प्रार्थना वैसे खुद की ज्यादा फलीभूत होती है, दूसरे की भी होती है, दूसरा भी दूसरे के लिए कर सकता है। प्रार्थना आप कर सकते हैं, सहानुभूति वही आ गया उसके प्रति, तो अपनी भावनाओं का भी तो दान दे सकते हैं ना, उसके प्रति ऐसा भाव कि जल्दी ठीक हो जाए, वही प्रार्थना भी वही है, सहानुभूति भी वही है। और वो विचार का दान, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बड़ा परेशान है किसी से, दूसरे से, और वो उसके बारे में कह रहा है कि जी इस व्यक्ति ने ना मेरे को बहुत तंग कर रखा है, परेशान है वो व्यक्ति, और उस समय आप उसको बताएं कि नहीं आप तंग तो हैं पर आप उस व्यक्ति के कारण नहीं हैं, आप अपने इस विचार के कारण हैं। तो आप इस तरह से सोचो, वो जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, पर अपने को उससे परेशान ना हो करके अपने को कैसे ठीक रहना है उस पे अपने को फोकस करना है। तो आपने उस व्यक्ति का सोचने का तरीका ही बदल दिया, और अब वो व्यक्ति एक जगह से तो सुखी होगा ही, पर ये ट्रिक उसको आ गई तो अब वो जीवन में किसी से भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको एक रास्ता ही मिल गया, एक ट्रिक आ गई अब उसको। तो ये कितना बड़ा दान है, आपके पास 10 रुपए से भी ज्यादा बड़ा दान है, आपके 1-2 लाख रुपए से भी बड़ा दान है किसी को ठीक रास्ता बताना। किसी व्यक्ति के पास बहुत धन धान्य है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, आरोग्य नहीं है, आपने उसको प्राणायाम का दान दे दिया,
योगाभ्यास का दान दे दिया, उस काम में लगा दिया, तो उसकी तो लाइफ स्टाइल ही बदल दी आपने। तो दान अनेक प्रकार के हो सकते हैं। दान को आप रुपए पैसे पे सीमित ना करें और केवल खाना खिलाने पे भी सीमित ना करें। ये तो स्थूल दान है, वो तो देने ही चाहिए। और उसमें बहुत बहुत जटिल है ये, क्योंकि हमें तो कई बार ये मतलब समझ ही नहीं आता है कि ये पात्र, इसको पात्र माने कि कुपात्र माने। क्योंकि जब उस व्यक्ति की सिचुएशन देखते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं, तो फिर कुछ निर्णय करने की स्थिति नहीं होती है, तो किसको दें। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने इसके ऊपर ना बहुत लंबा चौड़ा लिखा है दान के ऊपर। वो कहते हैं कि मेरी माता जी, उन्होंने अपने घर का कहा है कि मेरी माता जी किसी को दान देती थी तो मैंने कहा कि आप क्यों इनको रोज रोज दान देते हो। जैसे पहले गाँव में आते थे ना आटा मांगने वाले, कुछ कुछ आते थे ऐसे मांगने वाले, और वो परंपरा होती है, उसको देना ही है। अब गाय को रोटी क्यों खिलाना, आप बोलोगे रोज रोज रोटी खाएगी ना तो उसकी आदत गलत पड़ जाएगी, घास खाना ही छोड़ देगी। फिर भी लोग गाय को रोटी देते हैं कि नहीं देते हैं? रोटी क्या गाय का भोजन है, तो फिर क्यों देते हैं? और क्या आपकी रोटी देने से उसका दूध बढ़ जाएगा कि हम एक रोटी देंगे तो उसका दूध बढ़ जाएगा? और दूध बढ़ जाएगा तो क्या वो आप उसके बछड़े को ही पिला दोगे सारा, या खुद निकालने के लिए बढ़ा रहे हो? लेकिन फिर भी हम गाय को रोटी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उससे, उसको खिलाने से हमारी भावना पवित्र होती है। तो पहली बात तो ये है कि दान हम किसी के उत्थान के लिए नहीं देते हैं, दान हम अपने उत्थान के लिए देते हैं, अपने उद्धार के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए नहीं देते। हमें भ्रम यही होता है कि हम उसको दें तो उसका उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा, बड़ा काम होगा। वो तो होगा, वो अलग है, लेकिन आप किसके लिए दे रहे हैं? आप देश के उद्धार के लिए नहीं दे रहे हैं, आप अपने उद्धार के लिए दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति को दे करके आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कई बार व्यक्ति जो है ऐसे फंस भी जाता है कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं, इतना मान सम्मान है आपका, हम इतने बड़े काम में लगे हैं और आपके शहर के जो लोग हैं उन्होंने इतना इतना दिया है, आपके रिश्तेदारों ने भी दे दिया, पड़ोसियों ने भी दे दिया, अब आप बताओ कितना दोगे। हमारे शिविर होते हैं तो फिर ऐसे ही लेने जाते हैं हमारे कार्यकर्ता, जिस शिविर है और उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, इस शहर के जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने इतना इतना दिया, तो फिर वो कहता है ठीक है फिर हमारा भी इतना काट दो। यद्यपि उसकी देने की इतनी सी भी इच्छा नहीं है, वो क्यों दे रहा है? अगर मैंने नहीं दिया तो इन मेरे शहर वाले जो गणमान्य लोग हैं उनके बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इसने कुछ भी नहीं दिया। उन सब का जब मंच से नाम अनाउंस होगा और मैं भी वहां बैठा रहूंगा, मेरा नाम अनाउंस नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अनेक अनेक हेतु से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे को पात्र समझा था। तो ये जो दान है ये उसका उद्धार नहीं कर पाएगा, हमारा तो कर देगा, हमारा तो शिविर हो जाएगा, तो उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस भाव से दिया ही नहीं था। तो दान दूसरे के उद्धार के लिए नहीं, दान अपने उद्धार के लिए होता है, अपने उत्कर्ष के लिए दिया जाता है। दूसरे के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं आप अपने ऊपर ही कृपा कर रहे हैं। अगर मन में ये आ गया कि भाई ऐसा ऐसा करके और मैं दूसरों के ऊपर कृपा कर रहा हूं, दूसरों का कल्याण कर रहा हूं, तो फिर तो आपने अपने आप को बड़ा मान लिया और दूसरे को छोटा मान लिया, तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा और दूसरे को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक आत्मा है। इसलिए श्री अरविंद ने, उनकी एक पुस्तक है माता छोटी सी, तो उसमें एक चैप्टर है दान के बारे में, धन शक्ति। वो कहते हैं ये जितनी भी धन शक्ति है, धन शक्ति में मैं पुनः आपसे कह रही हूं कि धन का मतलब केवल रुपए पैसे नहीं, धन क्या क्या है, अनेक प्रकार का धन है। विद्या का धन है हमारे पास, विचार का धन है, चरित्र का धन है, भावों का धन है,
अनेक अनेक प्रकार के धन है हमारे पास, और वो आप किसी को देते हैं या आप किसी से लेते हैं। जब आप किसी से मांगते हैं तो आपको दीनहीन होकर के नहीं मांगना चाहिए, आपको इस भाव से मांगना चाहिए कि ये सारा धन, ये सारा ऐश्वर्य मेरे प्रभु का है, मेरे माता पिता मेरे भगवान ही हैं, और मैं अपने माता पिता से ही मांग रहा हूँ। तो दीनता का भाव नहीं आना चाहिए मांगते, अपने ही प्रभु का, अपने ही प्रभु के कार्य के लिए मैं मांग रहा हूँ, तो स्वाभिमान नहीं गिरेगा। और देते समय ये सोचना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, मैं केवल इसका ट्रस्टी हूँ, धन सारा भगवान का है, मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरा नहीं है, बल मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, खाना मेरा नहीं है, अन्न मेरा नहीं है, वस्त्र मेरा नहीं है, सब यहाँ आके लिया है, पहले से ही यहाँ विद्यमान था, उधर से इधर कर लिया बस, और नाम अपना लिख दिया कि अब ये मेरा, पहले ही थी वो चीजें यहाँ, आपने बस उनको इधर उधर कर लिया और मेरा कह दिया है उसको। तो ये सारा धन ईश्वर का है, और जो दे रहा हूं ये भी ईश्वर के लिए है, मेरा नहीं है। तो हमारे यहाँ यज्ञ में सिखाया जाता है, इदम अग्नि इदं न मम, इदम सोमाय इदं न मम, इदम आदित्याय इदं न मम, इदम जातवेदसे इदं न मम, इदं न मम, यही यज्ञ की आत्मा है। अगर वो भाव नहीं है तो फिर वो दान दान नहीं है। अगर दान देते समय मन में ये भाव नहीं आया इदं न मम, यज्ञ करते हैं वो भी तो दान है ना अग्नि को, और वो दान देते समय ये सिखाया जाता है वेद में, ईश्वर खुद बता रहे हैं वेद मंत्र के माध्यम से कि जब आप अग्नि को दान दे रहे हैं तो भाव क्या होना चाहिए, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, भगवान का है, भगवान के लिए है। तो अनेक अनेक प्रकार का दान हो सकता है, विद्या का दान, ब्रह्म दान। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये जो ज्ञान है ये किसी से लिया हुआ है, मेरा नहीं है, लेके थोड़े ही आई थी, हमारे गुरुजनों ने हमारे को दे दिया। तो फिर ये आपको जो दे रहे हैं तो ये कोई एहसान थोड़े ही है, इसमें भाव क्या होना चाहिए, इदं न मम, ये भगवान का दिया हुआ है। भगवान का दिया हुआ मतलब जो भी माता पिता गुरुजन अध्यापक समाज के बड़े लोग समाज सुधारक, कितने लोगों ने पुरुषार्थ करके और फिर कोई एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो इतने लोगों से लिया हुआ है ये, इतने लोगों का सहयोग है, अपना नहीं है ये, और अपने लिए नहीं है, ये भगवान के लिए ही है, तो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं है। तो दो बातें हो गई, फिर तीसरी बात है पात्र कौन है, किसको दें। तो यहां भी निरुक्त में एक मंत्र आता है कि विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास गई और उससे कहा कि मैं तेरे पास फलवती तब होंगी तू मेरे को ऐसे ऐसे लोगों को दान करेगा, वहां पर विशेषण दिए हुए हैं, तो वहां ऐसे लोगों को मत देना मुझे कभी भी, ऐसे लोगों को जरूर देना। तो वहां विशेषण है जो ब्रह्मचारी हो, जो संयमी हो, जो आलस्य ना करता हो, जो निराभिमानी हो, जो कृतज्ञ हो, ऐसे ऐसे वहां पर वेद मंत्र में विशेषण बताएं, उन उनको जरूर देना। और जो अकृतज्ञ है, जो आलसी है, जो प्रमादी है, जो संयमी नहीं है, उनको कभी मत देना, मना किया। तो पात्र का निर्णय वेद के अनुसार क्या है, किसको देना है, क्यों नहीं देना उनको। कभी कभी ऐसे देखा जाता है जो बिल्कुल संयमी नहीं है, बिल्कुल उल्टा पलटा ही जिनका जीवन है, उनकी मेधा बहुत तेज होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति बहुत संयमी भी है, बहुत सदाचारी भी है, साथ में बुद्धि भी तेज है, दोनों चीजें भी होती हैं कभी कभी, कभी कभी उल्टा भी होता है।
तो उस व्यक्ति के पास यदि धन आ गया, ऐश्वर्य आ गया, तो वो क्या करेगा उससे? वही करेगा जो रावण ने किया। रावण के पास विद्या भी आ गई, धन भी आ गया, ऐश्वर्य भी आ गया, लेकिन आने के बाद उसका सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ? तो उसको कहेंगे अपात्र। तो इसका निर्णय कौन पड़े, हम कौन करे, हमें क्या पता? अब हम तो जा रहे हैं रास्ते में और किसी ने हमारे से मांगा, तो अब हम उसको दें या ना दें? अब हम कहां से कुंडली निकालें कि जी ये देश काल पात्र, अब इसको देखना पड़ेगा, ये जाके इस पैसे का क्या करेगा? और जो ले रहा है कोई भी व्यक्ति, ये कहेगा कि मैं तो जाके शराब पीऊंगा? कोई भी नहीं कहेगा। ये तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि जी बहुत जरूरतमंद हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत किसी बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ। बोले जी हम ये कहेंगे कि अगर कोई पढ़ने के लिए धन मांग रहा है तो उसको तो देना ही चाहिए, क्योंकि वो मुसीबत में है, क्या पता वो उससे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, और पढ़ भी लेगा तो पढ़ करके क्या करेगा ये क्या पता है? उसके संस्कार कैसे हैं हम कैसे जाने? माना कि उसने डिग्रियां भी ले ली, उसने पढ़ाई भी कर ली, बीए एमए भी कर लिया, और उसके बाद वो उसका दुरुपयोग करेगा, तो वो कोई ऐसा पदाधिकारी बन गया जो बिल्कुल बेईमान है, बिल्कुल भ्रष्ट है, बिल्कुल चरित्रहीन है। ऐसे व्यक्ति को आपने पढ़ा पढ़ा दिया, डिग्रियां दिला दी, और अब वो सारे उल्टे काम कर रहा है पदाधिकारी बन करके। तो इस पद पर जो पहुंचा, इसमें सहयोग आपका भी है कि नहीं है? तो प्रसाद आपको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कैसे जाने हम पात्र कौन है? तो बड़ी जटिल प्रक्रिया हो गई। फिर आपने तो बोला कि 10-20 के लिए तो क्या सोचे ना, छोटा मोटा तो ऐसे दे देंगे। और बात छोटे की जो आपने कही, तो मैंने कई बार सुनाया है, महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाई है ना, कि दान देने के लिए बहुत लोग आए। जब वो किसी एक शहर में गए तो वहां के बड़े बड़े सेठ आए और सोने चांदी की भेंटें लेकर आए, उनके लिए गिफ्ट लेके आए, सोने के बने हुए, कोई ताज लेके आया, कोई सोने का बना हुआ कोई गिफ्ट लेके आया, कि किसी ने चेक दे दिए, किसी ने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, बहुत दिया, वहां धनवान लोग रहते थे। और एक बूढ़ी माता जी, उसके पास बिचारी के पास एक ही फल था खाने के लिए, और उसने पिछले दिन कुछ खाया भी नहीं था, आज ही उसको वो फल मिला, और उसने कहा कि मैं तो एक दिन भूखी रही और एक दिन रह लूंगी, कल और भगवान व्यवस्था करेगा। पर ये कौन से रोज रोज आते हैं, इतने महापुरुष हैं जिनको देख करके ही एक प्रेरणा मिलती है, मन शांत हो जाता है। ऐसे आत्मवेत्ता हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो मेरे पास और कुछ तो है नहीं, तो मैं अपना ये फल ही दे आती हूँ। तो धीरे से ऐसे जाके वहां रख के आ गई, और शाम को जब उनके शिष्यों ने सारी धन संपदा संभाली, बोल जी आज का सबसे बढ़िया, सबसे कीमती, सबसे उत्कृष्ट दान कौन सा है इनमें? तो उनके शिष्यों ने कहा कि ये वाला डायमंड बहुत कीमती है, सबसे महंगा वाला दान ये है, सबसे बड़ा दान ये है। किसी ने कहा कि नहीं, इससे भी ज्यादा, ये जितनी कीमत का होगा उससे ज्यादा रुपए तो वो देके गई है कैश, तो सबसे बड़ा दान उस व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का है। तो ऐसे वो चर्चा कर रहे थे, बाद में महात्मा बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा दान उस माता जी का है, जो एक फल देके गई ना, सबसे बड़ा दान उसका है। क्योंकि इन्होंने तो, इनके पास तो अनंत था, बहुत था ऐश्वर्य, उसमें से उठा के मुट्ठी भर दिया है, बाकी तो उनके पास है, और उसने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, जितना भी उसके पास था तो सब कुछ ही दे दिया, उसने तो कुछ बचाया ही नहीं। तो मेरे लिए ये दान सबसे बड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस व्यक्ति का दान छोटा है, किस व्यक्ति का दान बड़ा है, और छोटा मोटा दान बिना सोचे समझे दे दें, बड़े वाले के लिए हमें सोचना पड़ेगा, और हम किस किस रूप में दान दे सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ही बड़ा, देखने में तो श्लोक 2 लाइनों में समाप्त हो जाता है, लेकिन इस पे विचार करें
तो ये मतलब तीनों लोग समा जाएंगे उसमें, इतना बड़ा है ये विषय दान देने का। किसको दें, कब दें, क्या दें, क्यों दें, कैसे दें, जरूरी नहीं है हर चीज किसी को दिखा के ही दी जाती है। कुछ दान ऐसे भी हैं कि वो लेने वाले को पता ही नहीं चलता है, और ऐसे भी विधान है कि जब आप दाहिने हाथ से दें तो बाईं को भी पता नहीं लगना चाहिए, इतना गुप्त दान। तो इसके ऊपर आप और विचार करके आए। आज यही कक्षा को विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।